बैठे कुमकुम, राधिका, मांगलिका, सबको आना चाहिए। हिमांगलिका, सबको आना चाहिए। हिमांशु, आना चाहिए नियम। हाँ सर को आता ही है। हमारे जो मेरे से पहले कौन से सर आके गए? सौरभ जैन। सौरभ जैन मेरे से पहले, सौरभ जैन आके गए। मेरे से पहले कौन आके गए? हाँ राकेश सर को पता है। और किसको पता है? यहाँ पर शतरंज का एक खतरनाक नियम है। मेरे पिताजी क्या करते मालूम है? वड़ा पाव बेचते। वड़ा पाव मालूम है किसी को? अच्छा मालूम है इधर वड़ा पाव? वड़ा पाव मालूम है सर इधर? वो वड़ा पाव ऐसा त्रिकोण रंग का, त्रिकोण होता है ऐसा, ऐसा ऐसा, हाँ वो ऐसा 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 रहता, वही ना? अच्छा उसको समोसा बोलते हैं। वड़ा पाव, वड़ा पाव। मेरे पिताजी क्या बेचते मालूम? वड़ा पाव बेचते थे। किसके ऊपर? गटर के ऊपर खड़ा होके। हम लोग को लगा हम लोग ऐसे ही पैदा हुए और ऐसे ही मर जाएंगे। हम ऐसे ही गरीबी पैदा हुए और गरीबी मर जाएंगे। लेकिन याद रखिए, शतरंज का नियम अगर आपको नहीं पता है तो सचमुच में आप गरीब मर जाओगे। राधिका, अगर शतरंज का नियम नहीं पता है तो सही में हम जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मर जाएंगे। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो शतरंज का नियम याद रखना। शतरंज का नियम बोलता है पीछे सब बड़े बड़े लोग रहते और आगे छोटे छोटे सीधे साधे लोग, सीधे साधे ऋषभ जैसे, मोहम्मद कैफ जैसे, हिमांशु जैसे, काव्या जैसे, तनिष्का जैसे, मुकुल जैसे, वैभव जैसे, कुमकुम जैसे, राधिका जैसे, मांगलिका जैसे, ईशा जैसे, आयुषी जैसे, अनुष्का जैसे, ये सीधे साधे लोग आज के तारीख में सीधे साधे। लेकिन याद रखिए, नियम कहता है यही सिपाही आदित्य, यही सिपाही राकेश, यही सिपाही विराट, यही सिपाही हिमांशु, यही सिपाही सर, यही सिपाही जब आखिरी में पहुंचता तो क्या होता है? मंत्री बन जाता है। वैसे तो मैं 15 साल से चेस खेल रहा हूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था ये। पता मुझे तब चला जब मैं दिनेश सर का वीडियो देख रहा था। यदि एक सिपाही अपने आप को 6 कदम तक जिंदा रख ले तो वो आगे जाके मंत्री बन जाता है, वजीर, राजा बन जाता है। राजा को आप पे लागू होती है। यदि आप अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, 6 कदम आगे बढ़े तो डेफिनेटली एक दिन आप भी वजीर बनोगे। अब हाँ रुको बेटा, हाँ समझ में आया राकेश सर ने क्या बोला? काव्य बेटा, यही सिपाही आज के तारीख में सिपाही ना, आज के तारीख में सारथी में आ रहे ना। लेकिन अगर आप रोज आ रहे और रोज आते आते एक दिन आप क्या बन जाओगे? राजा बन जाओगे। मम्मी डैडी को हेलीकॉप्टर में कितने लोग बैठाना चाहते हैं? एरोप्लेन में तो सब बैठाते हैं, हेलीकॉप्टर में कितने लोग बैठाना चाहते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? नीलू। आपका नाम? दक्षता। हाथ नीचे रखो, याद रखो, मम्मी डैडी को अगर बैठाना है ना तो आज से सारथी में रोज आओ, रोज सीखो और रोज कुछ नया करो। तीसरा नंबर है विश्वास। किस पर विश्वास रखना है? अपने आप पर, अपने टीचर पर और ऊपर भगवान पर, जिसको भी आप मानते हैं उस पर विश्वास रखिए और रिजल्ट देखिए। चौथे नंबर पे आता है रोज कुछ नया करो, रोज कुछ नया करो। आपको कुछ नया देखना है बेटा, आप आ जाइए, आइए बेटा, जल्दी से आइए, भाग के आइए। ओके आप आ जाइए। दक्षता, एक मिनट, जिसको बुलाऊंगा, दक्षता, मोहम्मद सैफ, जल्दी से आ जाओ। और बेटा आप आ जाइए। क्या नाम है? हाँ नंदनी, जल्दी से भाग के आओ। अभी आपके सामने जो मैं करने जा रहा हूँ, ये शायद दिल्ली की भूमि में पहली बार हो रहा है। ये दिल्ली में पहली बार हो रहा है जो बच्चे अभी देखने जा रहे हैं, ये पहली बार दिल्ली में। हाँ रुको ना बेटा, दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आप जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं गलत नहीं बोलना चाहिए, सही में गलत नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। माँ बोलती है गलत बोलेगा तो सही में हो जाता है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे। हाँ सुना था ना? हाँ अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सही में। ये पिटारा में से निकलेगा सांप, लेकिन सांप नहीं है, इसमें क्या है? बहुत ही सिंपल नॉर्मल ये है, हाँ डाइस है। क्या है बेटा? डाइस है। कितना है बेटा? 3। हाँ 3 है, क्लियर है, 3 है। कितना है बेटा? 3। दिखा आपने? एक। कितना है? 3। 3 है ना बेटा? कितना है ये? 3। कितना है बेटा? 3।
देख लो बेटा, आप भी देख लो, तो कल बोलोगे। चलो अब मैं बोल रहा हूँ और आप सब मेरे साथ बोलेंगे। बोलो एक आ जाए, एक आ जाए। बोलो एक आ जाए, एक आ जाए। हाँ बोलो एक आ जा, एक आ जा। क्या लगता है, क्या लगता है, एक आएगा? क्लैप करो, क्लैप करो, क्लैप करो। एक बैठ जाओ अब एक और बार। चलो गलती से हो गया, तुक्का लग गया। और एक बार, और एक बार, तीन और एक कितना हो गया बेटा? चार। बोलो चार आ जाए, चार आ जाए, चार आ जाए। क्या लगता है अभी क्या आएगा? चार नहीं था, पांच था। कभी कभी देखो आपने दिल से नहीं बोला, दिल से बोलेंगे होगा। क्या था ये? देखो पांच था, कितना था? पांच था। अभी आपको सिर्फ यही बोलना है छह आ जाए। बोलो छह आ जाए, छह आ जाए, छह आ जाए। इसलिए आज के बाद कभी भी, आज के बाद कभी भी, आज के बाद कभी भी, आज के बाद कभी भी। निगेटिव मत बोलना, नकारात्मक बोलना। बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, बोलो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ सब याद होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चार नंबर पे आता है हमेशा आपको आज के बाद सकारात्मक बोलना है। चार नंबर पे आता है आज के बाद हमेशा, हमेशा पॉजिटिव बोलिए ना। पॉजिटिव बोलने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या बेटा? सकारात्मक। हाँ बहुत अच्छा है, हाँ सारा सकारात्मक। एक मिनट बाद में ध्यान देना, उधर मिलेगा गिफ्ट, मिलेगा सबको गिफ्ट मिलेगा। मेरा नाम क्या है? हाँ, कोई 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 जरूरत नहीं याद रखने की, जरूरत है क्या याद रखने की? अभी सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो। पहला मैंने क्या बताया, पहले क्या करना है, हमें रोज क्या सेट करना है? सोफा सेट है ना अपने घर में? बर्तन का सेट है, सोफा सेट है, बर्तन का सेट है, टी सेट है, टीपॉय है, बिस्तर का सेट है, लेकिन हमारा आज से माइंड सेट कर लो। क्या बनना चाहते बेटा? ईशा क्या बनना चाहते हो? टीचर दक्ष, दक्ष क्या बनना चाहते हो? दक्ष कहाँ गई? नीलू क्या बनना चाहते हो? टीचर दक्ष क्या बनना चाहते हो? आईएएस। हाँ सर, ये बच्चे को आईएएस मालूम है? हम तो इतने बड़े थे, हमको तो अभी क्या, आपको तो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ पता ही नहीं था। किससे पता आपको आईएएस? पता है, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? आईपीएस। हाँ अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। बेटा आप? हाँ नीलिमा इंजीनियर बनना चाहती है। क्या बेटा आपका नाम? अनुष्का। अरे बाप रे, दो दो अनुष्का है और एक है ना अनुष्का, वो भी है अनुष्का। आईपीएस बनना चाहती है। देखिए यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन विश्वास कभी नहीं होगा, कभी डगमगाएगा, कभी आपको लगेगा अरे अंग्रेजी में तो 5 मार्क मिल गया है। कोई बात नहीं, आज के तारीख में अंग्रेजी में मिला है 5 मार्क आज के तारीख में। लेकिन घबराना मत, आज के तारीख में ना, आज के तारीख में छोटे प्यादे, सर ने बताया ना, आज के तारीख में छोटे प्यादे सिर्फ 6 साल तक, 6 महीने तक, 6 कदम तक खुद को संभालिए। आप राजा को बोलोगे चेक मेट। क्या बोलोगे? चेक मेट। हाँ चेक मेट। खुद को राजा बनाइए और राजा समझिए। एक लड़का था, वो राजा के घर में पैदा होता है, वहाँ की जो नौकरानी रहती है ना, राजा की दासी अच्छी नहीं थी। वो क्या करती है, राजा के बच्चे को भगा के किसी जंगल में छोड़कर आ जाती है। वो बेचारा बच्चा जंगल में ही पैदा होता है, जंगल में ही बड़ा होता है, जंगल में ही बांसुरी बिसुरी बजाते रहता है, वो मोगली के जैसा। एक दिन बेचारा वो जो लड़का था,
उधर ही किधर तो भी रहता है बेचारा, जिंदगी जीता है और रोज कोसता है कि भगवान मुझे राजा के घर में पैदा क्यों नहीं किया, राजा के घर में पैदा क्यों नहीं किया, जबकि उसको कहाँ पे पैदा किया था, राजा के घर में पैदा किया था। लेकिन रोज कोसता था, रोज कंप्लेंट करता था, हे भगवान तुमने मुझे यहाँ पर क्यों पैदा किया। एक दिन दासी को पश्चाताप होता है, दासी रोती है और उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मैंने राजा के बच्चे को क्या कर दिया, गाँव में छोड़कर आया।